बहुत बड़ी सेवा का भाई करता होता मुझे कुछ कहने चाहो परे। अखा भी ऑपरेशन कराया सी खराब हो गया सी दोबारे फिर उन्होंने ऑपरेशन कराया फिर नहीं सकता है। हमारे इतने पहली बार आए अज हाँ तू भाई प्रेमी सानू लेके आया हाँ जी मेरी आंखों में दिक्कत है, मैं ऑपरेशन कराने के लिए आया हूँ यहाँ। ये आंखों से कम दिखाई देता है, चेकअप कर देंगे जी। उसके बाद जिदा का इन्हों का होगा वो दस देंगे। ना ना जी पैसा पाई पैसे पाई तो बहुत दूर की गल है। मरीजों के रहने प्रबंध मिल गए? हाँ वो बहुत ज्यादा बढ़िया जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ना 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 जी सारों का तो बड़ा अच्छा रुतबा जी, बड़ी प्यार करते हैं हमसे सेवादार, बोलते हैं भी तुम्हारे साथ कोई नहीं आया तो हम आपकी सेवा करेंगे और जी जान से करेंगे आपको घर भी छोड़ आएंगे, ये बोलते हैं सेवादार। देखो जी बारिशों तो एक कहने भी नाल चाहिए बाकी काम तो सारा सेवादारी कर रहे से, टट्टी पेशाब पानी धाने लंगर हर तरह की सेवा कर दिया सेवा। जैसे मरीज को ऑपरेशन थिएटर से इधर लेकर आते हैं वार्ड के अंदर तो उनका पूरी देखभाल की जाती है, आते इंजेक्शन वगैरह उनकी जो मेडिकेशन है प्रॉपरली वो दी जाती है, उसके बाद सॉफ्ट डाइट दी जाती है और जैसे ही उनका डिस्चार्ज का प्लान होगा नेक्स्ट डे तो उनको सारी चीज़ें बताई जाती हैं घर के लिए ऑपरेट के लिए सभी मेडिसिन कैसे खानी है कैसे ध्यान रखना है चश्मा लगा के रखना है। पेशेंट के जो भी नाल आते हैं वॉलंटरी जो भी सेवादार ने प्रॉपर हाइजन होंगे उनके हैंड वॉश करके सैनिटाइजर देख के जो भी बेडशीट कंबल ब्लैंकट प्रॉपर चेंज करते हैं, जो कोई दिक्कत आ जाती है तो नाल चेंज करके अपना वो ला दें, कोई होर हैंड हाइजन सपेट जो भी टच करूगा बिफोर टच करने तो पहला या बाद प्रॉपर हाइजन की जाती है। ईयर से इस कैंप में आ रही हूँ, यहाँ पे मरीजों का बहुत ही अच्छे से चेकअप होता है। सबसे पहले उनका एक हॉस्पिटल प्रोटोकॉल की तरह ही काम होता है, एक पर्चा बनता है उनका
और उसके बाद डॉक्टर्स उनका चेकअप करते हैं और लैब रिपोर्ट्स भी उनकी होती है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली की जाती है। उसके बाद अगर कोई पेशेंट ऑपरेशन के लिए एलिजिबल हो तो उनका ऑपरेट भी होता है, और जिस पेशेंट का ऑपरेट नहीं होना हो उनको वो मेडिसिन दे के भी घर भेजते हैं, ताकि एक प्रॉपर अपना प्रोटोकॉल फॉलो करके ही वो आगे प्रोसेस करते हैं।